शाम को मेरा नाम है इब्रार और आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ हेवेल जूलियन। और मैं पहले गया था एक इवेंट पे सेंट्रोस मॉल में, वहाँ पे मैं सही तरह कवर नहीं कर पाया, तो आज मैंने कहा आपको सही तरह वॉक अराउंड कराएं, इसकी डिटेलिंग वगैरह चीज़ें दिखाएं। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे ये वर्कशॉप क्यों आई हुई है। बेसिकली सीन ये है कि स्मार्ट सर्विसेज अब कन्वर्ट हो गया है हेवेल इस्लामाबाद से, और जो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर है अब इधर ही होगा, और ये है I-93 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। और अगर आपने गाड़ी विज़िट करनी है, गाड़ी देखनी है, तो आप ब्लू एरिया जा सकते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे शोरूम में खड़ी हुई है। बकाया इधर यहाँ पे सीन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं और आप लोग सोचोगे कि क्या चक्कर है यहाँ पर खड़ी हुई है, बेसिकली बिफोर डिलीवरी इसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन हुई है, कहीं से कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं से कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, इसकी सारी डिटेलिंग सारा कुछ चेक करके, इसकी इंस्पेक्शन पूरी क्लियर, इसकी रिपोर्ट क्लियर करके फिर कस्टमर को डिलीवर की जाती है। अभी तो ये यहाँ से डिटेल्ड होके शोरूम पर जाएगी, उसके बाद वहाँ से कस्टमर इसको रिसीव करेगा। तो ये चीज़ होती है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, और अभी हम इसको कवर करते हैं गाड़ी को, क्योंकि जी व्यूअर्स इसकी सबसे पहले हम फ्रंट लुक देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख लें, सबसे ऊपर आपको मिल रही है प्रोजेक्टर लाइट्स, और उसके नीचे आपको DRL, ये पूरी के पूरी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसी के साथ इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पर अगर आप देख लें इस साइड पर, ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है फ्रंट से। और यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल दी हुई है सेंटर में, इसके आपके फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये 360 कैमरा के साथ आती है। मैं आपको पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और इसकी विजन LED विजन टेक्नोलॉजी के साथ है ये लाइट। और नीचे की तरफ आपको एयर वेंट्स दे रहे हैं जो कि आपको टर्बो चार्ज की ग्रिल को और रेडिएटर को कूल रखने में काम देती है, क्योंकि ये 1.5 CC टर्बो इंजन के साथ आती है। तो अभी मैं आपको इसके अलॉय व्हील्स दिखा देता हूँ। अलॉय व्हील्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये 18 इंच के हैं, और इसके ऊपर कुम्हो का टायर इंस्टॉल्ड है 225x55 R18 इसका साइज़ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखें 225x55। और इस तरफ अगर आप देख लें साइड, ऑटो रिटेक्टेबल मिरर्स हैं इसके अंदर, और इसके नीचे एक कैमरा भी लगा है, क्योंकि ये 360 कैमरा के साथ आती है। और उसके साथ आपको इंडिकेटर, और यहाँ पे अगर आप देख लें तो ब्लाइंड स्पॉट की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, ये लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोम के जो गार्निश है आपको पूरे दरवाज़ों पे मिलती है, और नीचे की तरफ अगर आप देख लें पैनल पे भी आपको क्रोम की मिलेगी, और एंड पे यहाँ पे बहुत प्यारा सिग्नेचर हेवेल का हुआ है, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अगर यहाँ से ज़रा क्लोजली दिखाऊँ, ये देखें जी। अच्छा, अब बैक की तरफ आ जाते हैं। इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट इसका डिज़ाइन बनाया, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, और ये किसी भी क्रॉसओवर से मैच नहीं करती, ठीक है ना। ये काफ़ी डिफरेंट लुक के अंदर है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। ये लाइट इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी के अंदर आपको रिवर्स लाइट भी मिल रही है, और प्लस इंडिकेटर्स भी मिल रहे हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, और काफ़ी जो गाड़ियाँ उनके नीचे इन्होंने रिवर्स लाइट दे दी है। इस तरफ अगर आप देख लें ये ब्रेक लाइट है, और बीच में आपको क्रोम गार्निश मिल रही है। हेवेल का बड़ा सा सिग्नेचर है, और छोटा सा एक बॉश का वाइपर भी है आपको। तो इसमें आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जितने भी आपको चीज़ें मिल रही हैं इलेक्ट्रिकल जितनी भी हैं, वो आपको सारे बॉश दे रहा है,
बॉश की हैं ये, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा कि आपको कोई एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है। और अब हम अंदर से देखेंगे, हम इंटीरियर लुक देख लें। ये इसलिए मैंने आपको गाड़ी दिखाई है कि ये अभी पाकिस्तान में किसी ने इस कलर में कवर नहीं की। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है और इस तरफ आपको कार्बन फाइबर जैसी ट्रिम दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे इसके अंदर आपको साउंड सिस्टम मिल रहा है काफ़ी हैवी वाला। और उसके बाद जो स्पीकर की साइड है, यहाँ पे हैवल का सिग्नेचर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पॉलिश एक फिनिश मिल रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ, पहले सीट्स भी देख लेते हैं। सीट्स जैसा कि देख सकते हैं बकेट स्टाइल के अंदर सीट्स हैं, सिंथेटिक लेदर के अंदर हैं सारी। और जैसा कि आप इसके स्टेयरिंग फील वगैरह में आपको सारी जाके दिखाता हूँ एक एक करके। और ऊपर की तरफ आप देख लें पैनोरामिक सनरूफ है। और अभी अब अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, तो सबसे पहले की देख लें। की एक तो इसकी मैनुअल की है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई बटन नहीं है। साथ में आपको एक स्मार्ट की मिल रही है जो कि इमोबिलाइज़र है। और ये देखें जी, इस काफ़ी प्यारी एक जैसा मर्सिडीज़ BMW जी ऐसी की होती है ना, उस स्टाइल की है। अच्छा, अब ये जो बताया मैंने आपको कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऑन करते ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा, अभी आप जो इसके अंदर फीचर्स वगैरह देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बड़ा पैनल लगा हुआ सामने स्क्रीन, ये बहुत बड़ा है। ये अभी मैं हाथ देख लें मेरा, ये आम स्क्रीन से काफ़ी बड़ी है। स्टेयरिंग अगर आप देख लें, स्टेयरिंग फील बहुत ज़बरदस्त है, स्पोर्टी लुक है जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसी लुक आ रही है जी आप बताएं। और वॉल्यूम कंट्रोल सारा इस साइड है, बकाया जो सामने का मेन्यू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर इतने फंक्शंस दिए हैं, इतने फंक्शंस दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले तो इसकी ब्यूटी में दिखा रहा हूँ आपको, फिर आप यहाँ से गियर नॉब देख लें। आप यहाँ से गियर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। पूरा एक जैगवर स्टाइल इसका दिया है, ये देखें जी। पार्किंग डी बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पर कार्बन फाइबर ट्रिम दिए। बकाया जितनी भी क्रोम गार्निश है, ये जो क्रोम ट्रिम है ये पूरे इंटीरियर पे जा रही है, प्लस ये कार्बन फाइबर जो स्टाइल है ये भी सारे इंटीरियर पे जा रहा है, जिसमें कि आप अंदर से भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा पीछे तक यहाँ पे आप ग्लास होल्डर दिए हुए, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। फिर इसके बाद ऑटो ब्रेकिंग इसके अंदर सिस्टम है। फीचर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, वन बाई वन करके हम आपको दिखाते रहेंगे। अब तो ये गाड़ी आती रहेगी बाई टाइम, इधर हर टाइम इसको दिखती रहेगी। फास्ट चार्जिंग भी आपको मैंने उस दिन दिखा दिया था। फिर इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, सबसे बड़ा ये है कि आप मोटरवे पे हैं, तो अगर आप इसका स्टेयरिंग छोड़ भी देते हैं, ये लेन के अंदर लेन असिस्ट करती रहती है। स्टेयरिंग ऑटोमेटिकली यूं यूं हिलता रहता है और गाड़ी को अपनी लेन के अंदर बनाई रखता है। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर मुझे पता है। पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर हैं और 1.5 CC टर्बो इंजन है इसके अंदर। और ये आप सामने अगर देख लें, हेड्सअप यूनिट, हेड्सअप डिस्प्ले है और बहुत छोटा सा कैमरे का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इन अगर आप सामने देखते हैं ना, जैसा लगता है कि बॉनेट के अंदर से कोई लाइट निकल रही है और आपको एक विजन दे रही है। बहुत ज़बरदस्त सीन लग रहा है, तो आपको बार बार मीटर के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बैक से भी आपको गाड़ी दिखाता हूँ, पहले तो चीज़ें कवर कर लेना। यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट मिलता है और डेट्स इट। और यहाँ पर आपको इधर भी ग्लव बॉक्स मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें यार इसके अंदर, बकाया एसी कंट्रोल सारा इसके अंदर है। अगर आप एसी पे जाते हैं, ये देखिए जी, एसी सारा कंट्रोल आ जाता है। अब मैं इसको खोल नहीं सकता, अच्छा इसको मैं ये उतार नहीं सकता, क्योंकि अब जिसने लेनी है उसके लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ना है। क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी ना, वाइट पेपर में थी सारी, इसको प्रोटेक्ट किया गया था कि किसी भी मार्क वगैरह से डैमेज ना हो। जी व्यूअर्स, अभी मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो कि शोरूम वाले जब मैं वीडियो बनाने गया था उसने भी सही तरह मुझे गाइड नहीं किया था। ये गाड़ी लॉन्ग चेसिस है थोड़ी सी, मतलब कि आपको ये गाड़ी लेंथ में ज़्यादा मिलती है, उसकी वजह से इसकी जो स्पेस है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। आप अभी ये गाड़ी की सीट बिल्कुल पीछे हैं दोनों, फिर भी मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है और 6 स्पीड का भी बंदा ईजिली इसके अंदर बैठ जाए। एयरबैग्स इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 पिलर्स के अंदर हैं, 2 बैक साइड पे हैं और 2 फ्रंट पे हैं। तो इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं,
पिछली सीट भी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट सेफ्टी सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप इसका एक लिड खींचेंगे तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ईच इन एवरीथिंग बहुत कमाल की गाड़ी है। अगर आप में से कोई इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो सो बिस्मिल्ला। तो बकाया मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है कि ना ही मुझे कंपनी वाले ने बुलाया कि इसको करो हमारे। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी वर्कशॉप पे ही, ये भाई के दोस्त की वर्कशॉप है तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो कवर करता रहता हूँ एज अ हॉबी, ठीक है जी। तो ये सीन है और अपने भाई को दीजिए इजाज़त, कल मैं आपको या परसों आपको दिखाऊँगा हैवल H6 इसकी दूसरी। और वैसे ये आती रहेंगी, जो जो कलर आता रहेगा इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता रहूँगा। चैनल पे एक्टिव बने रहिएगा और अगर आपने भी अपनी गाड़ी डिटेलिंग या सिरेमिक करवानी है तो स्मार्ट सर्विसेज लेके आएँ, हम भी आपकी गाड़ी की वीडियो बनाएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। जजाकल्ला, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।